भाई आज हम दुनिया के पहले 64 मेगापिक्सल वाले हैं, तो इंडिया के पहले 64 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला है, जो कि आज रियलमी के द्वारा लॉन्च हो चुका है, जो कि उनका लॉन्च इवेंट था कुछ 12:30 बजे, और वो मैंने पूरा देखा। और भाई आपको आज अपने फर्स्ट इम्प्रेशन बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम है Realme XT, जो कि आपको स्टार्टिंग प्राइस इसके 16,000 रुपये बेस वेरियंट, जो कि 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज के साथ 664 आपको देखने को मिलेगा 16,000 रुपये का, और एक 8128 आपको देखने को मिलेगा 19,000 रुपये का। अब ये कुछ ठीक ठाक प्राइसिंग है। अब आप मुझे अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा इसी चीज़ के बारे में कमेंट्स में। तो भाई आप बहुत जन कमेंट नहीं करते हैं भाई पूरा वीडियो देख के, भाई आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी है, तो आपको जो प्रोडक्ट मैंने अभी इस वीडियो में बताया वो कैसा लगा। तो अब आपका ज़्यादा वक्त ना जाए कि चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम इस फोन के डिस्प्ले के साथ। आपको इसमें देखने को मिलता है 6.4 इंच की एक सुपर एलिमेंट डिस्प्ले, जिसके बेजल्स भाई बहुत ही कम है, और तो और एक अच्छी सुपर एलिमेंट वाले आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.4 इंच की, जो कि एक बड़े डिस्प्ले है। डीप ब्लैक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। अब सुपर एलिमेंट डिस्प्ले आपको 16,000 रुपये में दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको कुछ नहीं देखने को मिलता, मतलब कि सुपर एलिमेंट डिस्प्ले आपको कोई भी कंपनी इस प्राइस रेंज में नहीं प्रोवाइड कर रही है। मैक्सिमम आपको 17-18 हज़ार रुपये तक जाना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए रियलमी को अप्रिशिएट करता हूँ। और तो भाई अगर आपको पता लग गया है कि भाई अभी सुपर एलिमेंट डिस्प्ले है पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसे छूट जाएगा, तो आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है ऑप्टिकल वाला, और इसकी अभी स्पीड जो रियलमी बता रही है बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब कि कुछ 335 मिलीसेकंड लगते हैं इसे अनलॉक होने में, जो कि एक नॉर्मल फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी ज़्यादा बढ़िया है, ऐसी रियलमी क्लेम कर रही है। मुझे नहीं पता, वो तो हाथ में आएगा फ़ोन तभी पता चलेगा, बट जितना रियलमी ने क्लेम किया है अपने लॉन्च इवेंट में उतना आपको मैं बता रहा हूँ। अब बात करें भाई इसके डिज़ाइन के बारे में, तो आपको इसमें कुछ ग्रेडियंट कलर्स नहीं तो बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ऐसे आप अभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। भाई बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं मेरे हिसाब से तो, और तो अगर इसमें पहली बार आपको कोई रियलमी के फ़ोन में ग्लास बैक देखने को मिल रहा है, आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रही है पहली बार भाई, नहीं तो भाई रियलमी गोरिल्ला ग्लास 3 3 प्लस भी अटका रहता था। प्लास्टिक बैग भाई मुझे उतने अच्छे नहीं लगते रियलमी के, क्योंकि भाई बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं प्लास्टिक फ़ोन्स पे, और उसे बिना कोई कवर का यूज़ भी नहीं कर सकते, और इससे होता है भाई कि आपकी जो फ़ोन की जो खूबसूरती है वो छुप जाती है। बट इस फोन के साथ वो नहीं होने वाला है, आपको इसमें ग्लास बैग देखने को मिलता है, बट उसी के साथ आते हैं भाई आपको अच्छे से इस फ़ोन को रखना पड़ेगा, जहाँ भाई आपके हाथ से फ़ोन गिरा तो आपका दिल बाहर आ सकता है, तो आपको फ़ोन से ज़्यादा महंगा खर्चा पड़ सकता है। अब बात करें भाई हम इसके OS की, तो आपको ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 Pie भी देखने को मिलेगा। और तो और भाई इसमें रियलमी ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, वो डार्क मोड, जो कि मोस्ट अवेटेड था रियलमी OS में, कि कलर OS 6 में अब वो आ चुका है भाई Realme XT के साथ। और तो और इसमें हमको डिजिटल वेलबींग का फीचर्स भी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि एंड्रॉइड 9 Pie में स्टार्टिंग से आ चुका है बट रियलमी के फ़ोन्स में नहीं था, पता नहीं क्या ये फूक के बैठे थे इन्होंने नहीं दिया, बट अभी इन्हें इनकी आंखें खुली तो इन्होंने सोचा कि भाई अभी डिजिटल वेलबींग देनी चाहिए, तो इन्होंने अब डिजिटल वेलबींग का फीचर अब Realme XT के साथ भेज दिया। अब अगर आपके भाई अभी दिमाग से निकल गया कि मैंने अभी क्या बोला, आपके सिर के ऊपर से चला गया कि भाई डिजिटल वेलबींग क्या भला है, तो ये डिजिटल वेलबींग होता क्या ना, अगर आपका जो डेली का आपको यूसेज होता है, मतलब कि दिन भर का आपका जो यूसेज है जिसे एनालाइज करते हैं और आपके ऐप रिकमेंडेशन आपको बताते हैं, या तो आपका जो दिन भर का यूसेज आपने कितना टाइम किस पर स्पेंड किया। अब मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फीचर है कि अगर आपको अपना मोबाइल यूसेज कंट्रोल करना है तो आप इसके ऊपर एक नज़र ज़रूर दे सकते हैं। और भाई आता है हमारे इसके प्रोसेसर के ऊपर। अब भाई आपका ये सेम है Realme 5 Pro, Vivo Z1 Pro, Vivo Z1 X वाला, वही है Snapdragon 712, बट इसको अभी रियलमी ने बोला हमें इसे थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, तो थोड़ा सा इसमें ट्विक्स एंड टर्न्स किए, जिससे इसकी जो क्लॉक स्पीड उन्होंने की है वो 2.36 GHz, और ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी की है रियलमी ने, इसे ओवर क्लॉक किया थोड़ा सा। अब आपको ये थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस देगा Realme 5 Pro से, बट मेरे हिसाब से उन्होंने यहाँ पर कुछ अलग प्रोसेसर यूज़ करना चाहिए था, जैसे कुछ मिनट के हेलो G90 हो गया, G90T हो गया, अब ये प्रोसेसर जो यूज़ कर सकते थे यहाँ पर, बट उन्होंने नहीं किया। भाई मेरे हिसाब से तो उन्हें वही वाला प्रोसेसर यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि भाई 12 थोड़ा सा पुराना हो गया, पुराना तो नहीं बट भाई आप अगर 16-17 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं तो वो थोड़े बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलनी चाहिए, वही सेम परफॉर्मेंस आपको जो 14,000 का फ़ोन में मिल रहा है आप वो 16,000 में देखे क्यों लेंगे, यही मेरा यहाँ पे ओपिनियन है। आपको इसमें GPU देखने को मिलता है वो एंड्रीनो का 616, जो कि मेरे सबसे अच्छा GPU है गेमिंग वगैरह के लिए, आप
मक्खन चली है आपकी पबजी वगैरह 40 FPS पे। और तो भाई हम बात करें और चीज़ों की, तो आपको इसमें डुअल 4G वोल्टी सपोर्टेड है। और भाई ये बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, सारे चटर बटर मतलब सारे चांसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जायरोस्कोप, फिजिकल जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर सब आपको इसमें देखने को मिल जाता है। वो आ जा भैया, पहले भैया रिकॉर्डिंग तो वक्त, भाई सारे नोटिफिकेशन रिकॉर्डिंग के वक्त ही आते हैं। भाई अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिक रीज़न जिसे आप इसे बाय करने वाला है, या तो इसका जो मेन फीचर है वो है भाई इसके कैमरा। आपको पीछे में मिलते हैं भाई 4 कैमरे, मतलब कि फ़ोन ही भर दिया है भाई आजकल के तो कैमरे से ही। बात करें हम इसके मेन कैमरे के, तो भाई ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जो आपको 64 मेगापिक्सल के सैमसंग GW1 सेंसर के साथ देखने को मिलता है। इसका जो अपर्चर वो है 1.8 का। आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है जो कि F2.3 के अपर्चर के साथ आता है। आपको 2 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो लेंस जो कि 2.4 अपर्चर के साथ आता है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जिसका अपर्चर भी 2.4 ही है। अब मेरे हिसाब से ये बहुत ही कमाल का कैमरा होने वाला है। अब कंपनी ने तो भाई क्लेम किया है कि भाई आपके आंखें फट जाएंगी, आपके हाथ थक जाएंगे, पर जो पिक्सल हैं वो भाई नहीं फटने वाले हैं। मतलब कि बहुत ही कमाल की आपको डिटेल देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो माधव सेठ है उन्होंने इसे 4000 की फीट से लिया है इस फोटोग्राफ को। बट भाई आप देख सकते हैं इसमें डिटेल है, नीचे आपको डे टू लीप आराम से दिख रहा है। आपको भाई 16000 रुपये के हिसाब से बहुत ही भयंकर डिटेल मिलने वाली है इस स्मार्टफोन में। अच्छे खासे आपको कैमरा, स्क्वाड कैमरा आपको देखने को मिल रहे हैं, सैमसंग का GW1 वाला सेंसर देखने को मिल रहा है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सेंसर है भाई। इस हिसाब से 64 मेगापिक्सल आपको 16000 रुपये में मिलने रहा है जो कि भाई आपको आईफोन तक में नहीं देखने को मिलता है। भाई देखो आईफोन की वीडियो आ रही है भाई, कर सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो आप मिस ना करें। भाई अपने नए आईफोन के ऊपर आपको कल ओपिनियन देने वाला, तो भाई कल की वीडियो आप ज़रूर देखेगा। नहीं तो भाई अगर वीडियो आ चुकी होगी तो आपको यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा यहाँ कहीं पे, तो आप वहाँ से आकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब आते हैं भाई ये सेल्फी कैमरा पे। आपको इसमें देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर एक F2.0 अपर्चर के साथ जो कि सारे चीज़ों के साथ आता है भाई। जो नॉर्मल सेल्फी 1080p 30 FPS आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये तो आपको इसमें देखने को मिलती है। बाकी सब भाई बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है ये। आपको ये 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, WOOC 3.0 का चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलता है, 20 वाट की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि आपके फ़ोन को 80 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगी जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। आपका इससे वक्त बचेगा, और तो और भाई बंदी बंदी से रात में आराम से बात कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ भाई, बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो अब मेरे क्या ओपिनियन थे स्मार्टफोन के बारे में। अब आपको इसमें सब कुछ देखने को मिल रहा है, बट भाई मुझे इसकी एक ही कमी मिल रही है, इसका प्रोसेसर जो कि 712 मुझे उतना अच्छा नहीं लगा इसका प्रोसेसर। और तो और अब एक और मन में सबका क्वेश्चन उठता है कि भाई क्या ये Realme XT है, तो ये Realme X से बढ़िया है या उससे बहुत ही बेकार है। अब मैं आपको बता दूँ Realme X जो है वो डिफरेंट टाइप का फ़ोन है और Realme XT एक डिफरेंट टाइप का स्मार्टफोन है। अब Realme X जो है आपको प्रीमियम फीचर्स ऑफर्स कर रहा है इस प्राइस रेंज में। आपको 17000 रुपये में पॉपअप कैमरा देखने को मिल रहा है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल रही है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, अच्छा खासा आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, बस अब आपको प्रीमियम फीचर्स दे रहा है। वही बात करें इसकी, तो आपको इसमें एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा, मतलब कि एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। आपको इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, बट आपको इसमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल रहा है, कोई पावर सेल्फी नहीं है। हाँ वही बात करें हम भाई, दोनों आपको अलग अलग प्राइस ब्रैकेट के, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। Realme X आपको अपना जगह पे, अब वही आपको भाई अगर आप कंपेयर करते हो, आपको Realme XT में ग्लास वर्क देखने को मिल रहा है, Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन है, वही आपको Realme X में आपको वो ग्लास बैक नहीं देखने को मिल रहा है, प्लास्टिक बैक देखने को मिल रहा है। तो भाई बहुत सारे डिफरेंसेस है, बट वो दोनों अलग अलग प्राइस ब्रैकेट के लिए बनाए गए हैं, और आपको उन दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, आपको प्रीमियमनेस चाहिए कि आपको कैमरा चाहिए, आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। और भाई इस लॉन्च इवेंट की बात करते, इसमें कुछ माधव सेठ ने और भी कुछ कुछ चीज़ें निकाली, जैसे कि इनके रियलमी वायरलेस वाले जो इनके हैं ना ईयरफोन्स, वही 1700-1800 रुपये के, लेकिन उनसे बहुत ही अच्छे वायरलेस ईयरफोन्स हो सकते हैं, मतलब कि अच्छे खासे 1700-1800 रुपये में आप अच्छे खासे रियलमी बड्स वायरलेस आप ले सकते हैं। आपको सारा एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्होंने एक पावर बैंक भी भेजा है, मतलब कि लॉन्च किया है, जो कि है भाई 10000 mAh का 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, और इसकी जो आपको प्राइस देखने को मिलती है वो 1300 रुपये। अब भाई मेरे हिसाब से अगर आपको मैं फ्रैंकली बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है। अब 1300 रुपये भाई उतना ज़्यादा बड़ा रकम नहीं है, बट भाई आपको 10000 mAh वाला जो पावर बैंक है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आपको 1900 रुपये तक के मिल सकते हैं,
अब 400-500 रुपये किस चीज़ के ऊपर खर्चे करेंगे। ठीक है भाई, अपने फैंसी कलर्स दे दिए भाई, पावर बैंक है ना भाई, सर स्मार्टफोन की तरह तो हम यूज़ करने वाले हैं, जो अब लोग हमें पावर बैंक तो देखेंगे नहीं, हमारा स्मार्टफोन ही देखेंगे, तो कलर चेंज करके भाई अपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया। मैं आपको जैसे पता ही है भाई, माधव सीट जो है उनके पेट में कोई बात पचती तो है नहीं, जैसे ये वो पता है थोड़े दिनों से रियलमी XT के जो एक प्रो वर्जन हमने क्या देख सकते हैं, ऐसे कि रियलमी XT प्रो है उसके लीक्स एंड रूमर्स चालू थे भाई एक महीने से, जो कि भाई स्नैपड्रैगन 730G पे आने वाला है, ये वो वगैरह वगैरह। पर भाई आपको पता ही है, जैसे कि हमारे माधव सेठ कोई जो भी रियलमी का इवेंट होता है उसमें लास्ट में भाई कुछ ना कुछ धमाका कर ही देते हैं, जैसे पिछले रियलमी 5 प्रो वाले में जो रियलमी XT वाला धमाका किया, और अभी रियलमी XT प्रो उनकी रियलमी XT प्रो नाम उन्होंने नहीं दिया, उसका नाम है रियलमी XT 730G एडिशन। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे आपको सब कुछ सिमिलर है रियलमी XT वाला, बट आपको इसमें देखने को मिल रहा है 730G एंड दिस गेम, मतलब कि दिस फोन इज मेड फॉर गेमर्स, ऐसा उन्होंने बोला है। 730G वाला को प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, 10 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और तो ये आपको जो इसमें चार्जिंग देखने को मिल रही है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, 30 वाट का आपको इसमें वो चार्जिंग देखने को मिल रहा है जो कि नॉर्मल आपको रियलमी का फोन में देखने को मिल रहा है 20 वाट का, आपको इसमें देखने को मिल रहा है 30 वाट का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। तो भैया जी अब इतना ही था इस वीडियो में, अब मेरे हिसाब से ये फ़ोन्स कैसे हैं, ये स्मार्टफोन्स जो और सारे एसेसरीज कैसे हैं। अब भाई बात करें हमारे पहले रियलमी XT के बारे में, भाई मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है भाई, बट आप अभी रेडमी नोट 8 प्रो के लिए रुक सकते हैं, 1 महीना और उसे आने में 1-2 महीने आप, मैं आपको ज़रूर बोलूँगा आप उसके लिए रुक जाए, क्योंकि भाई वो रियलमी XT से बेहतर ही होने वाला है, तो आप उसके लिए आराम से वेट कर सकते हैं। बट अगर आपको अभी इंपॉर्टेंट है भाई कैमरा सेंट्रिक फ़ोन आपको लेना है, थोड़े से अच्छे फीचर्स के साथ मिले, कुछ सुपर आमलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह, सैमसंग GW1 वाला सेंसर आपको इसमें देखने को मिल रहा है 64 मेगापिक्सल वाला, अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, तो और मैक्रो लेंस 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, ग्लास बैक, बढ़िया डिज़ाइन, तो आप इस स्मार्टफोन के लिए आराम से जा सकते हैं। 16,000 रुपये का आपको बेस्ट वेरियंट देखने को मिल रहा है, आपको मैं वही बस रिकमेंड कर सकता हूँ, बाकी भाई 17 और 19,000 का वेरियंट है वो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। 17,000 रुपये में हमारा रियलमी X आया था जो कि भाई उससे बेटर है, और 19,000 में भाई बहुत कुछ ऐसा रहता है, 19,000 में आपका पोको F1 आया था जो कि बहुत ही बेहतर है भाई इस सबसे तो। और भाई अब यहीं पर मेरी जो वीडियो है वो ख़त्म होती है, अगर कोई वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो कृपया कर लीजिए कि भैया लाइक वाला बटन आप दबा दें, उससे आप जाके ब्लू कर दें ग्रे से, जिससे हमारे चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि भाई मैं रोज़ रोज़ वीडियो बनाऊँ, लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। और तो भैया अगर आपने वीडियो अभी तक शेयर नहीं की तो कृपया करके हमारी वीडियो शेयर कर दें, जिससे हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़े, आपका भाई थोड़ा समझ रहे ना भाई मेरी बात, अरे समझो ना भाई, अब जी सब्सक्राइब। अब आपको मैं ऐसी बात बोलने वाला जो कि मैं हमारे हर एक वीडियो में बोलता हूँ, नीचे एक लाल कलर का बटन दबा दें, उसके बगल में बेल आइकन होगा, अब उसे दबा पे ऑल बढ़ दें, सबका वीडियोज़ की हर एक नोटिफिकेशन 110% मिलती ही रहे, और आप मेरी वीडियो कोई भी मिस ना करें। वैसे अभी वीडियो थोड़ी कम अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अभी थोड़ी वीडियो आपको कम देखने को मिलेगी, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको धंधा वीडियो चेपते जाऊँगा भाई, आप फिर खुश रहिए, एकदम आबाद रहिए। तो भाई अब मैं मिलता हूँ वीडियो में, गुड बाय एंड बी सेफ एंड लव यू ऑल, ऐसे भाई सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को, सब्सक्राइब अगर आप करते जाइए, बाय बाय। With the